भाजपा ने ओडिशा की 3 लॉस और 11 विस सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए ओडिशा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 14वीं सूची में जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें मयूरभंज, भद्रक और जजपुर सीट शामिल है। केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि मयूरभंज सीट से नहीं, विश्वेश्वर टुड्डू, भद्रक से अभिमन्यु सेठी और जजपुर से अमीय मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने अब तक 373 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। आनंदपुर से आलोक सेठी, रायरंगपुर से नवाचरण मांझी, मोरादा से डॉक्टर कृष्णा महापात्रा, नीलगिरी से सुकांता नायक, अथमलिक से भागीरथी प्रधान, बांकी से शुभ्राशु शेखर पाडी, अथागढ़ से ब्रजेंद्र रे, पाटकुरा से विजय महापात्रा, महाकलपदा से विजय प्रधान, पुरी से जयंत सारंगी और भुवनेश्वर उत्तरी से अपराजिता मोहंती को उम्मीदवार बनाया गया है।